केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले मंच पर ही सोते रहे, जबकि मंच पर उन्हीं के विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मौजूद थे, लेकिन मंत्री जी ने उनकी परवाह किए बगैर अपनी नींद को पूरा कर लिया। दरअसल दिव्यांगों के लिए बनाई गई योजनाओं की जागरूकता के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई थी और मंत्री जी सोते हुए दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। ये उसके अलावा जो भविष्य में शीघ्र ही अपने हाथों में लेंगे काम, वो होगा कि हम भारत ये सुगम भारत एक्ट में हम सुगम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, टॉयलेट, रेस्टोरेंट इत्यादि की जानकारी हम आम जनता को दें। मैं एक और विषय में वार्ता जारी रखूंगा, लेकिन उससे पहले यदि कुछ प्रश्न है तो मैं उन्हें लेना चाहूंगा, जिन्हें न केवल मैं बल्कि पहले जिक्र किया है, सभी जो सरकारी भवन है उनको सुगम बनाया जाए, जिससे कि सुगम भारत ऐप इसका इस्तेमाल करने की जरूरत कम से कम पड़े। भवन पहले से काफी प्रश्न डाले हैं कि साहब यूसी दे दीजिए और समय का ध्यान रखिए, फिर भी मैं आग्रह करना चाहूंगा।